ऑलराइट गाइस, सो हमने अभी अपने वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स में काफ़ी चीज़ें देख ली। मोंगो डी बी आई होप कि आप लोगों को काफ़ी मज़े दे रहा होगा। और अगर आप लोगों को मोंगो डी बी मज़े दे रहा है तो एक हैशटैग लगा के कमेंट मार दो नीचे, मोंगो डी बी मज़े दे रहा है। क्या लिखोगे? मोंगो डी बी मज़े दे रहा है, ठीक है, लिख देना नीचे। अब हम लोग यहाँ पर डिलीटिंग की बात करेंगे कि अगर डेटाबेस में डेटा को डिलीट करना है तो वो किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोंगो वगैरह कुछ चलाया हुआ नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से अपनी एक पावर शेल खोलता हूँ और उसमें मोंगो डी चला लेता हूँ, और एक और खोलूंगा उसमें मोंगो चला लूंगा। मोंगो, और इस वाले को मैं थोड़ा जूम करूंगा क्योंकि ये मेरा क्लाइंट है। और यहां पर मैं लिखूंगा शो डी बी एस, उससे मुझे सारे डेटाबेसेस मिलेंगे। फिर मैं यूज हैरी कार्ट करूंगा, उससे मुझे पता चलेगा मैं मुझे कौन सा यूज करना है, तो मुझे हैरी कार्ट यूज करना है, तो मैंने ये किया। अब मैं शो कलेक्शन करूंगा, तो मुझे इस डेटाबेस के अंदर जो जो कलेक्शन है वो दिख जाएंगी, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था डी बी डॉट सॉरी डी बी डॉट फाइन डॉट ऑल नहीं, डी बी डॉट हमने आइटम्स डॉट ऑल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डी बी डॉट आइटम्स डॉट फाइन लिखना है। देखो मैंने सिंटैक्स पूरा पूरा ही गलत कर दिया। हाँ देखो अब आ गया, और ये गलती मैंने क्यों करी, क्योंकि मैं जेंगो में काम करता हूँ, जेंगो में सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है, तो मैं वहाँ से कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। बट आप लोग मत हो ना, डी बी डॉट आइटम्स डॉट फाइंड, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो डिस्प्ले हो जाते हैं। अब डी बी डॉट आइटम्स डॉट फाइंड तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अब आप लोगों को क्या बताऊँगा कि डिलीट किस तरह करना है, और डिलीटिंग वाला काम और सर्चिंग वाला काम काफ़ी सिमिलर हैं, ठीक है, मोंगो डी बी के अंदर। और क्यों मैंने ऐसा बोला ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो, जब भी आपको डिलीट करना है तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल सर्चिंग वाला सिंटैक्स यूज़ करें। और सर्चिंग वाला क्या सिंटैक्स था? सर्चिंग वाला कुछ ऐसे सिंटैक्स था, डी बी डॉट और आइटम्स डॉट फाइंड, और उसके बाद मैंने कहा था कि प्राइस जो हो जाए, एक फिल्टर ऑब्जेक्ट देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर प्राइस, और प्राइस लिखने के बाद मैं प्राइस मान लो दे देता हूँ बराबर 300 के, और 300 वाला है नहीं तो 20,000 का दे देता हूँ। और ये करने से जिसका भी 22,000 वाला प्राइस है वो आ जाएगा। या फिर अगर मैं कोई और चीज़ भी देना चाहता हूँ, मान लो मैं रेटिंग देना चाहता हूँ, रेटिंग 4.5, ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, मतलब नहीं मैंने क्यों सिमिलर डाले। मान लो मैं इसमें से एक डिलीट करना चाहता हूँ, और ये तीन मान लो मैंने गलती से डुप्लीकेट डाल दिए थे और मैं इसमें से एक डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और यहाँ पर tut83.js, उससे क्या होगा कि एक नई फाइल यहाँ पर बन जाएगी और आप लोग जो है बड़े आराम से ये कोड यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले शो डी बी एस किया था, फिर यूज़ हैरी कार्ड किया था, फिर उसके बाद शो कलेक्शंस किया था, और उसके बाद डी बी डॉट आइटम्स डॉट फाइंड करके मैंने ये फाइंड किया था, डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम द मोंगो डी बी डेटाबेस। ये यहाँ पर लिखता हूँ, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको सिंटेक्स बता दूँ क्या है। डी बी डॉट, और आप लोगों को लिखना है यहाँ पर आइटम्स, और हम लोग यहाँ पर लिखते थे डिलीट, सॉरी हम लोग लिखते थे इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी, यहाँ पर डिलीट वन और डिलीट मैनी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और एकदम यही सिंटेक्स रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये पहले आइटम को डिलीट कर देगा अगर मल्टीपल मैच कर रहे हैं तो, और अगर एक मैच कर रहा है तो उसको डिलीट कर देगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर इसको, तो मैं अगर ये चलाऊँ तो यहाँ पर कितने मैच कर रहे हैं मेरे, मैंने प्राइस 22,000 दिया तो तीन मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है मैच कर रहे हैं। अब अगर मैं ये चला दूँ तो ये कह रहा है कि भाई एक डिलीट कर दिया, डिलीटेड काउंट वन। तो अभी मैं यहाँ पर डी बी डॉट आइटम्स डॉट फाइंड 22,000 करूँ तो सिर्फ दो आइटम्स मिल रहे हैं, और अगर मैं वापस से इसको डिलीट वाले को चला दूं तो ये वापस से एक और डिलीट कर देगा। तो उसके बाद डी बी डॉट आइटम्स डॉट फाइंड करूँगा 22,000 प्राइस के साथ, तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिलेगा क्योंकि मैंने दो बार डिलीट चला दिया है और मेरे दो डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर ये डिलीट करके इसने दे दिया है। तो डिलीट वन क्या करता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विल डिलीट फर्स्ट एंट्री इन केस ऑफ मल्टी डॉक्यूमेंट मैच, एक मिनट, विल डिलीट द मैचिंग एंट्री एंड विल डिलीट द फर्स्ट एंट्री इन केस ऑफ मल्टी डॉक्यूमेंट मैच, यानी कि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है तो वो क्या करेगा, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लिख देता हूँ,
तो वो पहले वाले डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देगा। और अगर आप लोग चाहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएं, तो आप लोग मल्टी डॉक्यूमेंट को डिलीट करने वाली क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिलीट मैनी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो कैसे काम करती है। तो हम एक काम करते हैं, डीबी डॉट प्राइस डॉट फाइंड लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर मैं लिखूँगा और ये फ़िल्टर ऑब्जेक्ट हटा दूँगा। और यहाँ फिर एक काम करते हैं, पर मेरे पास शायद एक 129 वाला था, और तीन थे एक्चुअली, तीन नहीं दो थे, सॉरी नॉट तीन, दो थे। और मैं मान लो इन दोनों को एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ, और यहाँ मान लो दो की जगह ये 20-25 भी होते, तो मैं इन सबको अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। मैं कहूँगा कि प्राइस जिनका 1,29,000 है उनको डिलीट कर दो, और मैं ये वाली क्वेरी यूज़ करूँगा, डिलीट मैनी वाली। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ बाय प्राइस 1,29,000, तो देखो दो डॉक्यूमेंट का मैच आ रहा है। मेरी इस क्वेरी को रन करने के बाद, यानी कि डिलीट मैनी को रन करने के बाद क्या होगा, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे क्योंकि ये मैच कर रहे हैं। और इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये देखो डिलीटेड काउंट इसने 2 बताया है, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट्स मैच कर रहे हैं और दोनों डिलीट हो चुके हैं। और अब अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिनका प्राइस 1,29,000 है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो कुछ नहीं मिला मुझे, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिए थे। तो इस तरह से आप लोग जो है डिलीट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग डिलीटिंग का जो सिंटैक्स है उसको रिलेट करें सर्चिंग वाले सिंटैक्स से, क्योंकि जिस तरह हम कॉम्प्लेक्स सर्चेस करते हैं और एंड लगाकर, उसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिलीट है फंक्शन है मोंगो डीबी में, वो आपको डिलीट करके देता है इंस्टेड ऑफ सर्चिंग, और सर्च वाला फंक्शन क्या करता है, आपको सर्च करके देता है। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है बस, और बाकी जो चीज़ें हैं वो एकदम सेम है। सो आई होप कि ये डिलीटिंग वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लियर किया जाता है डेटा को डेटाबेस में से। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्लेलिस्ट में मज़ा आ रहा होगा, ये वेब डेवलपमेंट कोर्स सीखने में मज़ा आ रहा होगा, और आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं करी है अभी तक एक्सेस, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इसको बुकमार्क कर सकते हैं, या क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। और ये जो सोर्स कोड है ये सारा मैं सेव कर लेता हूँ, इस फाइल को आपको दे दूँगा, और नीचे आपको लिंक करके दे दूँगा अपनी वेबसाइट में, ताकि आप लोगों को ये मिल जाए अच्छी तरह से। और बहुत सारे लोग मुझे वेब डेवलपमेंट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हमें एंगुलर यूज़ करनी चाहिए क्या, हमें जेंगो यूज़ करनी चाहिए क्या, हमें फ्लास्क यूज़ करनी चाहिए क्या। तो उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर आप एक बिगिनर हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने एक परफेक्ट स्टैक चूज़ करी है। और यहाँ पर मोंगो डी बी, नोड जे एस, फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट, सी एस एस और एच टी एम एल, ये जब यूज़ की जाती है तो आपको कम से कम सीख कर ज़्यादा से ज़्यादा करने को मिलता है। और यही वजह है कि मैंने आप लोगों को ये चूज़ करके दी है। सो आई होप कि ये एकदम अच्छी जा रही है आप लोगों के लिए। और एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं कि वेब कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे काम करते हैं, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, और किस तरह से फाइल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाती हैं आपको, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फिर कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।